फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जिस शेयर के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है श्री लेदर्स। श्री लेदर्स, इसका मैंने वेबसाइट ओपन करके रखा हुआ है। आज ही मैंने इसमें ढाई महीने बाद प्रॉफिट बुकिंग की है, लगभग 21% तक। तो इसलिए मैंने आज आपके लिए शेयर का रिव्यू लाया हो, ठीक है। तो पहले इसका वेबसाइट देख लेते हैं। श्री लेदर्स मतलब लेदर कंपनी है। इसके ये ऑनलाइन साइट देख रहे हो आप, लेदर प्रोडक्ट उनके जो दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो लेदर जैकेट, लेदर शूज़, लेदर लेडीज़ वेयर, ठीक है। तो यहाँ पे सब आप देख सकते हो, मेंस वुमेंस सबके लिए यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखेंगे सबके बारे में, तो को उसमें से भी फॉर्मल शूज़ है, कैजुअल शूज़ है, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है और MRP के साथ। तो ये कंपनी कोलकाता बेस है। यहाँ पे नाम में दिखाई दे रहा है आपको कोलकाता लिखा हुआ है। मेंस के भी प्रोडक्ट्स है यहाँ पे, तो मेंस के कौन से शूज़ वगैरह सब यहाँ पे दिया गया है। तो ये शूज़ की कंपनी है, लेदर की कंपनी है। शूज़ और चप्पल्स वगैरह जो लेदर के यूज़ होते हैं, या जैकेट्स और किट्स के वॉशेबल जो भी है, सब यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये है श्री लेदर का वेबसाइट, इस पर आप जाकर देख सकते हो कंपनी के प्रोडक्ट्स कौन से हैं, ठीक है। और यहाँ पे सब देख लो, ये इनके प्रोडक्ट्स हैं श्री लेदर्स के। और नीचे हम जाते हैं तो यहाँ पे देख लो सब कुछ, यहाँ पे जो ये प्रोडक्ट बनाते हैं उनके बारे में यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। और ये कोलकाता बेस्ड कंपनी है। अभी इसके शेयर के बारे में जान लेते हैं, इसका शेयर में क्या खासियत है, क्या कर सकते हैं शेयर के साथ हम, क्या बाई कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने आज तो इसे सेल कर दिया है, क्योंकि मैंने ढाई महीने से इसको होल्ड करके रखा था। तो ढाई महीने से होल्ड करके रखा था, तो प्राइस देखते, मैंने जुलाई के टाइम में एंट्री की थी, 15 जुलाई के आसपास मैंने एंट्री की थी इसमें। तो ये तीन महीने का हम यहाँ पे चार्ट देख लेते हैं। तो तीन महीने का चार्ट देख लो, तो 15 जुलाई के आसपास मैंने इसमें एंट्री की थी। ये 7 जुलाई, 8 जुलाई, 9, ये 14, 15, ये 15 जुलाई के आसपास यहीं पर मैंने कहीं एंट्री की थी। फिर उसके बाद ये शेयर अप गया, तो वो टाइम पे मैंने इसमें बुकिंग नहीं की, प्रॉफिट बुकिंग नहीं की, मेरे हाथ से प्रॉफिट छूट गया। फिर उसके बाद ये गिरा, तब मैं लेते गया, ठीक है। जब इसमें आया था उछाल, एक झटके में आया था, हाई लिया था, तभी भी मैं प्रॉफिट में ही रहता। और जितना मुझे प्रॉफिट चाहिए था, मैं उतने प्रॉफिट में तभी भी तुरंत मिल सकता था, बट थोड़े के लिए रह गया रहेगा। नहीं तो नॉर्मली मैं प्रॉफिट बुकिंग कर लेता हूँ, 21% भी हो गया तो मैं कर लेता हूँ। बट कैसा होता है, कभी कभी है ना, एक टक्का भी या आधा टक्का भी छूट जाता है ना, तो मैं नहीं लेता हूँ, तो मैं फिर और वेट करता हूँ जब तक वो कंप्लीट नहीं होता। क्योंकि मेरा जो रूल्स बनाए हुए मैंने प्रॉफिट बुकिंग के लिए, वो मैं पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ। देखो, फिर भी मैंने उसमें होल्ड करके रखा, पेशेंस रखा। तो यहाँ पे जो गिरा, तब जब गिर रहा था, मैं तब तक लेते जा रहा था, ठीक है। तो यहाँ से जो जितना गिरा, यहाँ तक इतना लो, फिर इससे और लो आया, तो जितना लो, जितना नीचे गिरा, उतना मैंने इसको इसमें बाइंग की। फिर इसके बाद देख लो, एक बार लो आने के बाद, एक बार बॉटम टच करने के बाद, कोई भी शेयर फिर दौड़ना चालू करता है, फिर इधर से भागना चालू हुआ, फिर इधर इतना आया 31 अगस्त, फिर एक और एक CDO की तरह ये बढ़ता गया, फिर थोड़ा डाउन आया, फिर यहाँ पे नॉर्मल हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद फिर आज के दिन में इसने 203.70 का ये देख रहे हो आप, 203 का हाई बनाया था। तो आज ही के दिन मैंने इसमें प्रॉफिट बुकिंग की। आज के दिन का ये 203 का जो हाई है, वहाँ पर मैंने 201.15 पे मैं इस पर निकल गया, जिस पर मेरा प्रॉफिट निकल रहा था, मैं निकल गया, ठीक है। तो और भी इसमें 238 का हाई आना बाकी है, ओके। तो मेरा एवरेज प्राइस लगभग बहुत 166 के आसपास आया था, तो उसके बाद 166 या 65 के आसपास था, मैंने इसको लगभग परफेक्ट 21% तक मैंने इसमें प्रॉफिट लेके बेच दिया,
ठीक है। और यहाँ पे इसके बारे में और जान लेते हैं। 52वीं खाई देख लो, 126 से ये 238 तक जा चुका है ये पूरे साल के अंदर, तो लगभग डबल तो हो ही चुका है ये शेयर। अभी इसमें स्ट्रेंथ और वीकनेसेस देख लो, इसकी स्ट्रेंथ 5 स्ट्रेंथ बताइए। इसका शेयर होल्डिंग बढ़ रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, इसका प्रमोटर का इंक्रीजिंग और शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देख सकते हो, प्रमोटर अपने शेयर्स बढ़ा रहे हैं, शेयर होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। और वीकनेसेस देख रहे हैं तो डीग्रोथ इन रेवेन्यू एंड प्रॉफिट, तो प्रॉफिट में डीग्रोथ हो रहा है इनका, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट कम होते जा रहा है, ठीक है। और अपॉर्चुनिटी 3 बताई जा रही है यहाँ पे, तो अपॉर्चुनिटी क्या बता रहा है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस 2 तोड़ चुका है ये, ठीक है, सेकंड रेजिस्टेंस तोड़ रहा है R2। तो और थ्रेट क्या बता रहा है, डी ग्रोथ इन रेवेन्यू प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो ये थ्रेट है, मतलब डर है कि कंपनी का ये, तो ये नॉर्मल चीज़ है, कोई बड़ा इतना इशू नहीं है। हाँ, कंपनी का मार्केट कैपिटल देखो 444 करोड़ का है, तो मार्केट कैपिटल, और इसका पी थोड़ा महंगा है, ठीक है, इसमें प्रॉफिटेबिलिटी लाने में इसलिए ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, तो इसका पी ज़रा ज़्यादा बता रहे हैं। तो और इसका पीबी रेशियो, फेस वैल्यू, यहाँ पे बाकी सब ओके ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे इसका चार्ट तो हमने देख ही लिया, स्टार्टिंग में देख लिया, तो चार्ट के बारे में तो अभी पता चल गया कि आपको ये कहाँ से कंपनी कहाँ फिर से फिर ये ग्रोथ में आ गई, जो इसने हाई बनाया था यहाँ पे यही पे है जो 238 वगैरह बनाया हुआ है, तो यही कहीं का वो था या उससे पहले देख सकते हो, जो हाई था यहाँ पे 238 का हाई है, ये 11 जून को बनाया था, उसके बाद तभी मैंने यहाँ पे जुलाई में एंट्री ली थी, ठीक है। यहाँ पे इतना गिरने के बाद यहाँ पे लिया था, 238 से गिरने के बाद मैंने यहाँ पे ले लिया था जुलाई में, बट उसके बाद भी वो थोड़ा अप गया फिर डाउन गया, बट यहाँ पे स्विंग ट्रेडर का यही बेनिफिट रहता है कि वो प्रॉफिटेबल ही बनता है एंड में प्रॉफिटेबल होना, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट होता है शेयर मार्केट में। वैसे तो कोई भी शेयर मार्केट में आता है बट वो प्रॉफिटेबल नहीं बन पाते, बट स्विंग ट्रेडर हमेशा प्रॉफिटेबल रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1 वीक का देख लो, जो प्राइस वॉल्यूम देख रहे हो आप परफॉर्मेंस, तो यहाँ पे 1 वीक में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है। 1 मंथ का देख लो 9.71 है, और 3 मंथ का तो नेगेटिव बता रहे हैं, और ईयर टिल डेट मतलब जनवरी से अभी तक तो ये 31% तक रिटर्न दे चुका है, और 1 ईयर का ये 44% रिटर्न दे चुका है, और 3 साल का तो 8.5% तक रिटर्न दे चुका है, ठीक है। इसका जो हाईलाइटेड न्यूज़ बता रहा है ये जून का, वो भी 2019 का, जब ये मार्केट इसका सेल्स 43 करोड़ से बढ़ा था, 11.5% बढ़ा है, वही पुराना न्यूज़ अभी भी ये लोग दिखा रहे हैं, और इसके बारे में फोरम कुछ नहीं बोल रही है, ठीक है, बाय सेल या कुछ कमेंट नहीं कर रही है। इनसाइडर ट्रांजैक्शन देख लो, इनसाइडर ट्रांजैक्शन भी है अंदर के अंदर प्रमोटर के, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हम देख लेंगे इसका फाइनेंशियल देख लो, वैसे भी हमने उसका स्वॉट एनालिसिस में देख लिया था कि उसका रेवेन्यू घटते जा रहे, देखो दिख रहा है ना, घट रहा है रेवेन्यू, घट रहा है, तो ये थोड़ा सा रिस्क रहता है, डर रहता है इन्वेस्टर के लिए, ये चीज़ पहले से पता होनी चाहिए, फिर शायद और नीचे गिर जाए तो और प्राइस नीचे, और नीचे तो माइनस में, ऐसा डर रहता है, तो इस वजह से लोग फिर इसमें इन्वेस्ट करने नहीं, बट जिसका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ता है ना उसी में शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो थोड़ा अभी इसमें इन्वेस्ट करने से थोड़ा सा डर के रहना चाहिए, जब इसका प्रॉफिटेबिलिटी दिखेगा ऊपर तो इसमें मैं बोलूँगा ज़रूर इन्वेस्ट करो, क्योंकि अभी प्रॉफिटेबिलिटी की वजह से अगर इसका डाउन जा रहे हैं तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। स्विंग ट्रेडर का ये फ़ायदा रहता है कि वो एंट्री भी करता है और एग्जिट भी जल्दी कर देता है, तो यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग का ये बेनिफिट मिल जाता है, ठीक है। कभी ना कभी तो उछाल आता है ये कुछ ना कुछ, तो उसमें निकल जाते हैं। अभी यहाँ पे प्रमोटर का देख लो, 72% होल्ड करके रखे, सिर्फ प्रमोटर ही सबसे ज़्यादा होल्ड करके, कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ रहेगा इसलिए प्रमोटर भी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि प्रमोटर के पास ज़्यादा शेयर्स रहते हैं और प्रमोटर को बहुत सस्ते में शेयर्स मिल रहते हैं, तो उनका ज़्यादा बेनिफिट रहता है। और FIs का भी
3.5 3.5% उनके पास है, फिर बाद में 24% पब्लिक के पास है। तो मेजॉरिटी प्रमोटर ने होल्ड करके रखा है कुछ ना कुछ। तो ये देखो लेदर कंपनी जिसका भविष्य तो अच्छा ही रहेगा, ऑनलाइन का बिजनेस करती है, ऑनलाइन भी है इनका, प्रोडक्ट सब जाते हैं, ठीक है। तो यह है कंपनी के बारे में सब बताया गया है यहाँ, अबाउट द कंपनी, ठीक है। फुटवेयर एंड लेदर एसेसरीज बनाती है ये। तो ये था हमारा श्री लेदर के बारे में रिव्यू। मैं तो बोलूँगा कि अगर कोई कंपनी उसका रेवेन्यू घट रहा है तो थोड़ा सा इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। मैं तो इसमें बाय नहीं बोलूँगा, जब जब ये फिर से अगर डाउन नहीं जाता इसका परफॉर्मेंस में, फिर से ये अपवर्ड आता है, इसका परफॉर्मेंस अच्छा होता है, प्राइस परफॉर्मेंस और उसका रेवेन्यू परफॉर्मेंस, प्रॉफिट परफॉर्मेंस तो अच्छा रहता है, तो मैं ज़रूर बोलूँगा इसमें इन्वेस्ट करो। अच्छी कंपनी अच्छे प्राइस पे मिल रही है तो, और अभी डाउन आती है बट उसके बाद अगर इसका रिज़ल्ट पे ध्यान रखो कि रिज़ल्ट अच्छे आते हैं तो इसमें इन्वेस्ट करके चल सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच वॉचिंग माई वीडियो। आपको अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करो, ऐसी डिटेल्स मैं देते जाऊँगा और आपको भी प्रॉफिटेबल बनाते जाऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब। बाय बाय।